मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर और मैं आज लिविंग एंड अनलिविंग थिंग के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ। लिविंग थिंग्स में वैसे प्राणी जिसमें जान हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, जान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स। लिखा हुआ मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट आर अलाइव, ठीक है। लिविंग थिंग्स वैसे कहते हैं जिसमें क्या हो, जान हो, जीवित है, ठीक है। जैसे देखिए, ह्यूमन बींग, ट्री एंड एनिमल्स, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, लिविंग थिंग्स के मैं पॉइंट बता रहा हूँ, लिविंग थिंग्स और कैसे हम लोग जाने हैं, ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या होगा, ग्रो होगा, विकास करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, ये प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, वो क्या करेगा, अपने जैसा बच्चे पैदा करेगा और ईट, खाना खाएगा, भोजन जिसको हम लोग कहते हैं, ड्रिंक, पानी पिएगा, और मैं देखिए ये सब से क्या, ये सब लक्षण किसमें पाया जाएगा, आपके लिविंग थिंग्स में। मूव, जिसे कुत्ता देखते हैं, ये कुत्ता यहाँ है, वहाँ चला गया कुछ देर के बाद दूसरी जगह। बैल को देख रहे हैं आप, कभी यहाँ है, हम लोग कहीं ले जाते हैं उसको चराने के लिए, या फिर कहीं अदर जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, मूव होता है, ठीक है। ये मेरा लिविंग थिंग्स है, और मैं इसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताऊंगा। अब मैं अभी तो लिविंग थिंग्स के बारे में बताया, अब मैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता हूँ। नॉन लिविंग थिंग्स हम उसको कहते हैं जिसमें जान नहीं हो, जान क्या, जान उसमें जान नहीं है, ठीक है। जैसे चेयर, देखिए मैं चेयर एग्जाम्पल लिखा हूँ, चेयर में तो जान नहीं है, ना ग्रो कर सकते है, क्या नहीं करेगा, ड्रिंक कर सकता है क्या, पानी पी सकता है क्या, नहीं, खाना नहीं, प्रोड्यूस कर सकता है क्या बेबीज को, नहीं। ये सब लक्षण जिसमें पाया जाएगा वही होगा क्या, लिविंग थिंग्स। लेकिन ये सब जो लक्षण जिसमें नहीं पाया जाएगा वो हो जाएगा क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। और देख लीजिए, कॉपी का भी देख लीजिए, कार का देख लीजिए, ठीक है। ये सब जो है, अब कई अक्सर कार घूमता है, घूमता है, लेकिन उसमें जान नहीं है, जान नहीं है, और उसमें क्या है कि जान नहीं है, और अपने जैसे बेबी भी पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए इसको नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और मैं इसको दो और उदाहरण के साथ आप लोग को समझाता हूँ। मैं अब इस बॉक्स के माध्यम से आप लोग को यह बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से लिविंग थिंग्स है और कौन कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखा हूँ, रमेश। अब देखिए, पहले कॉलम बना लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स का और लिविंग थिंग्स का, ठीक। अब देखिए, रमेश, रमेश क्या है, कोई लड़का का नाम है रमेश, ठीक है। अब लड़का का नाम है रमेश, अब देखना ये है कि ये सजीव है, मीन्स लिविंग है, या फिर निर्जीव नॉन लिविंग है, इसको देखना, तो आपको पता करना कि यह खाना खाता है, घूमता है कि नहीं घूमता है, कि किस में आएगा, आपका लिविंग थिंग्स में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे रमेश। फिर देखिए, चेयर, चेयर क्या है, चेयर तो खाना खाता नहीं है, पानी पीता नहीं है, ये क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में। फिर देखिए, रॉप, रॉप मीन्स रस्सी, रस्सी आपको क्या होता है, न खाना खाता है, न बढ़ता है, न खेलता है, न कूदता है, इसमें आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स में। फिर देखिए, कॉपी, कॉपी भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स। इस तरह से करके आपको कॉलम बनाना है, और इसे छाप के आपको बनाना है, लिखना है, ठीक। और अभी मैं जो पढ़ाया उसी से संबंधित होमवर्क दिया हूँ, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, सजीव किसे कहते हैं, ठीक है। अभी मैं होमवर्क दिया हूँ, जिसे पढ़ाया उसी से संबंधित, व्हाट इज लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव क्या है, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट 20 नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, मतलब 20 लिविंग थिंग्स सजीव का नाम लिखना है, और 20 नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव का नाम लिखना है, ठीक है। और मैं चित्र भी देता हूँ आप लोग को और होमवर्क के रूप में, उसको छाट के आप लिखना है कौन लिविंग थिंग्स है, कौन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, आज लिखना है। अब आप लोग को इस चित्र के माध्यम से बनाना है, देख के बनाना है कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स आज।